लवकुश का यही जन्म हुआ था। लवकुश को भगवान वाल्मीकि ने शिक्षा दी थी। भगवान वाल्मीकि आदि कवि के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने भी शिक्षा को बेहद महत्व दिया और बाबा साहब अंबेडकर ने भी शिक्षा को बहुत महत्व दिया। बाबा साहब अंबेडकर बहुत गरीब परिवार में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने विदेशों से दो दो पीएचडी हासिल की, डॉक्टरेट। घर में खाने को नहीं था, फिर भी उन्होंने स्कॉलरशिप लेके और बाहर दो दो पीएचडी हासिल की। बाबा साहब का सपना था कि देश का हर बच्चा, उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। लेकिन आज 70 साल के बाद भी बाबा साहब का यह सपना पूरा नहीं हो पाया। आज भी गरीब तबके को, दलित तबके को, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। गरीबी की वजह से दलित समाज के लोग, एससी भाईचारे के लोग, गरीब लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने में मजबूर होते हैं और सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है। हम लोगों ने कसम खाई है कि बाबा साहब का सपना हम लोग पूरा करेंगे। जैसे दिल्ली में हम लोगों ने सरकारी स्कूल शानदार किए, उसी तरह से आज इस पवित्र स्थान पे मैं कसम खा के जाता हूँ, सरकार बनेगी, ऐसी भाईचारे के एक एक बच्चे को अच्छी अच्छी शिक्षा देने की, जो शिक्षा अमीरों के बच्चों को मिलती है, ऐसी अच्छे से अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी होगी। सबको अच्छे से जो मर्जी वादे, किसी ने आपको ये आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, आपके बच्चों को एक पीढ़ी के अंदर अगर हमने अच्छी शिक्षा दे दी, एक पीढ़ी के अंदर पूरे समाज की गरीबी दूर हो जाएगी और पूरा समाज बाकी समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा, बराबरी का हक मिलेगा शिक्षा की वजह से, केवल और केवल शिक्षा के लिए। शिक्षा बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, मैंने यहाँ के संत समाज से बात की। संत समाज का कहना है कि श्राइन बोर्ड यहाँ पे भंग करके, और समाज का मंदिर है, समाज का पवित्र स्थान है, समाज को उसको चलाने की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। इस बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं। हम सरकार बनने के ऊपर तीसरी चीज, सफाई कर्मचारी जो कि आज बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, कच्चे हैं, उनकी नौकरी का आज नहीं पता, उनको ठेकेदार तरह तरह से शोषित करते हैं, हमारी सरकार बनने पर सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा और उनको सारी सहूलियतें दी जाएगी। और चौथी चीज कि अभी भी मैनुअल स्केवेंजिंग, उसको इसमें क्या बोलेंगे पंजाबी में, सीवरमैन, वो जो सीवर के अंदर आज भी घुस के खुद हाथ से साफ करते हैं विदाउट किट। 21वीं सदी में हम लोग चले गए, ऐसे में मजबूरी के अंदर लोगों को आज भी सीवर के अंदर खुद घुस के ये काम करना पड़े, ये सही नहीं है। गैस बंदी से मौत, हमने दिल्ली में उन लोगों को, ऐसी भाईचारे के लोगों को मशीनें खरीद खरीद के दी हैं, उन्होंने अपनी मशीनें खरीद के अपना बिजनेस शुरू कर लिया। ऐसे ही हम पंजाब के अंदर भी तो बेरोजगार भी नहीं हुए, जो कल तक आदमी अंदर घुस के सीवर मैन होल में सीवर की सफाई करता था, आज वो बिजनेस मैन बन गया, उसको सरकार ने बिजनेस करने के लिए एक मशीन दिया, वो मशीन से सफाई करता है, पहले वो अंदर घुस के सफाई करता था। ये सीवर के अंदर घुसना बंद करेंगे और सबको मशीनें देंगे ताकि इज्जत के साथ, इज्जत बख्शेंगे, इज्जत देंगे, बराबरी का हक देंगे, ताकि वो बिजनेस भी करे और इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी जी सके। तो ये चार बातें मुझे आपके समक्ष रखनी थी। अगर कोई और देखो जी, लीपा पोती चल रही है, बाकी तो और कुछ नहीं है।
एफआईआर दर्ज की उन्होंने और खूब बड़ी बड़ी हमने एफआईआर कर दी। 5 साल लग गए उनको एक एफआईआर दर्ज करने में। हमने एफआईआर कर दी। एफआईआर करे भी कितने दिन हो गए, गिरफ्तारी करने की हिम्मत नहीं हो रही उनके। मेरे ख्याल से उसके बाद उन्होंने निचली अदालत में बेल के लिए अप्लाई करा, एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गई। मेरे ख्याल से 75 साल में भारत के इतिहास में पहला मामला होगा, नहीं तो जिस दिन एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होती है अगले दिन शाम उसी दिन शाम को गिरफ्तारी हो जाती है। एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हुए कितने दिन हो गए, अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई। दिखावा कर रहे हैं इन लोगों को, ना तो बेअदबी की वो है ना नशे की चिंता है, केवल और केवल कुर्सी की गंदी लड़ाई चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये सही नहीं है। मेरी आप लोगों से एक मिनट निवेदन है, आज हम पवित्र स्थान पे बैठे हैं, यहाँ पे ये सब संत महा